26 साल के बाद कैबिनेट मंत्री बना हूं, आज पूरे हिमाचल प्रदेश में पहचान है राकेश पठानिया की और नूरपुर की। हिमाचल की विधानसभा में अगर गरज की कोई बोलता तो आपका बेटा बोलता, आपका शेर बोलता और बाकी कोई नहीं बोलता। वहां पे पूरा हिमाचल प्रदेश जानता कि आपका एमएलए कौन है। अब मैंने यहाँ पे एसपी बिठा दिया, अगली कैबिनेट के बाद नूरपुर में डीसी भी बिठाऊंगा। अब तो केवल सीजन लगा हुआ है, जैसे बरसात नहीं आती तो गड्डू लगे ट्रैं 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 कर सह सीजन लगे, सह गड्डू लगे रिडान। 96 से 2022 आ गया, 26 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, 26 साल से आपका आशीर्वाद ले रहा हूं। अब 25 साल के बजाय कैबिनेट मंत्री बना हूं, बना 25 साल के बाद क्यों नहीं बने? अब आगे जाने की बारी है, खटाल जाने की बारी है, फायदा तो वहां कर। 26 साल के बाद कैबिनेट मंत्री बना हूं, आज पूरे हिमाचल प्रदेश में पहचान है राकेश पठानिया की और नूरपुर की। पूरा हिमाचल प्रदेश जानता कि आपका एमएलए कौन है। हिमाचल की विधानसभा में अगर गरज की कोई बोलता तो आपका बेटा बोलता, आपका शेर बोलता और बाकी कोई नहीं बोलता। वहां पे हिमाचल के विधानसभा के अंदर अगर बुलंद आवाज के लिए जाना जाता तो नूरपुर के एमएलए को जाना जाता और किसी को नहीं जाना। इसलिए 26 साल के बाद अब हमें सरकार को यहां चलाने का मौका मिला, सरकार को लाने का मौका मिला, पैसे लाने का, विकास करने का। अब मैंने यहां पे एसपी बिठा दिया, अगली कैबिनेट के बाद नूरपुर में डीसी भी बिठाऊंगा ताकि जिला पूरा का पूरा हमें आपने। और जिला बनेगा तो हमारे मेडिकल कॉलेज आएगा, डिजास्टर का पैसा ज्यादा आएगा, विकास के लिए धनराशि ज्यादा आएगी, जो काम जिंदगी में आप कभी सोचा नहीं था वो भी काम करके दिखाएंगे।